तो क्या क्या तैयारी की है और किस तरीके से पूजा हो रही है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है रखी हुई है, इसमें दूध दही और जो जो अभिषेक के लिए जो पूजा के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें रखी हुई है। और ये एक जो है थाल बनी हुई है, तो इस थाल में क्या है, ये हमारा जो शिव भगवान है, शिवलिंग है, वो मिट्टी से बनाया गया था। अभी जो है चंदन का वो लेप लगा रही है और उसके बाद ये इसमें जो शिवलिंग बना हुआ है, थोड़ा सा अभी क्या फूल वगैरह चढ़ गया है ना तो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। अभी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो कुछ चेंजेस आपको दिख रहा होगा। तो अभी फिलहाल जो है सिर मुड़वाना पड़ा और ये आजकल ही ये सारी चीज़ें करनी पड़ी और ये किसी कारण से ये हमें जो है बाल कटवाना पड़ा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारे घर पे हमारी माता जी के द्वारा एक पूजा हो रही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सो ये जो है रुद्राभिषेक है ना माँ, रुद्राभिषेक ऐसा कुछ पूजा है, सावन का जो मास होता है तो उसमें एक पूजा होती है रुद्राभिषेक, दूसरे सावन सोमवारी के बाद से ये पूजा करनी पड़ती है। और ये पूजा जो है थोड़ा सा डिजिटल पूजा मान के चलो आप, तो ये टीवी जो है, टीवी में आस्था जो चैनल है, आस्था लाइव में ये पूजा हो रही है। तो ऐसा जो एक महाराज श्री हैं प्रदीप मिश्रा, तो वो उनके अनुसार ये पूजा करने से बहुत लाभदायक है, ऐसा माँ का कहना है। तो ये पूजा रखे हुए हैं और उसके साथ साथ ये लाइव पूजा है, मतलब जो टीवी पे पूजा हो रही है, जैसा जैसा अभिषेक हो रहा है, जो जो चीज़ें चढ़ाने को या फिर जिस तरीके से करने का है तो वो सब टीवी के ज़रिए से हो रही है। तो वो देख देख के माँ जो है ये सारी चीज़ें कर रही है और साथ में हम लोग भी बैठे हुए हैं। ये माँ है इधर और सिस्टर है और भाई है और पिताजी भी हैं, तो सारी सभी लोग मतलब इसमें शामिल हैं। और देखिए बहुत सारे तैयारी करके रखे हुए हैं, कुछ कुछ चीज़ें और दिखाऊंगा, शायद कैमरा छोटा पड़ रहा है तो पूरी सारी चीज़ें जो है नहीं दिख पा रही होगी। तो काफ़ी सारे तैयारी किए हुए हैं इसके लिए। जो थाल देख रहे हो तो एक बड़ी वाली थाल में, जैसा कि देख रहे होंगे आप, तो उसमें जो शिवलिंग मिट्टी से जो है शिवलिंग बनाई गई है, जिसके साथ में मतलब उसी का जो है पूजा हो रहा है। चैनल है उसके माध्यम से हमारी माता जो है वो पूजा कर रही है और ये कुछ मंत्र वगैरह चल रहे टीवी में, जैसा कि देख पा रहे हो। तो जो टीवी में जो पूजा हो रही है उसी विधि से जो है यहाँ भी हो रही है, मतलब नीचे में भी पूजा, सारी चीज़ें जो है तैयारी करके रखे हुए हैं। तो जैसा कि देख रहे हो आप, थाल है और प्रसाद वगैरह है और काफ़ी सारे चीज़ें हैं। सो ये था, तो पूजा में थोड़ा सा बैठना था तो बैठे हुए हैं अभी, और जिस तरीके से जो है पूजा हो रही है तो उसी तरीके से जो है यहाँ बैठ के पूजा कर रहे हैं। सो यही था अभी। अभी तो क्या है, इससे कुछ घर में बोले कि माँ कि सबको साथ में रहना है, मतलब पूजा सबको पूजे पे रहना है, बैठना है, मतलब मान के चलो ऐसा कहना है। तो अभी जैसा कि देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से जो है तैयारी की हुई है और सारी चीज़ें हैं। और ये अभी लाइव चल रहा है मोबाइल पे, टीवी पे चल रहा था लेकिन क्या हुआ, टीवी पे बारिश होने की वजह से, बारिश काफ़ी हो रही है तो नो सिग्नल हो गई है। ये टीवी से चल रहा था। तो क्या क्या तैयारी की है और किस तरीके से पूजा हो रही है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है रखी हुई है, इसमें दूध दही और जो जो अभिषेक के लिए जो पूजा के लिए ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें रखी हुई है। और ये एक जो है थाल बनी हुई है, तो इस थाल में क्या है, ये हमारा जो शिव भगवान है, शिवलिंग है, वो मिट्टी से बनाया गया था। और जो अभिषेक की चीज़ें थी, जो जो चीज़ें हमें चढ़ानी थी वो सारी चीज़ें पूजा के माध्यम से मोबाइल के ज़रिए से ये चढ़ चुकी हैं, बेल पत्तर हो गया
और जो भोग के लिए जो था प्रसाद वगैरह था और काफ़ी सारी चीज़ें, चावल और दूध दही, जैसा कि ये है दूध और दही, तो कुछ इस तरीके से पूजा है। और ये हमारी माँ जो है अभी जो है चंदन का वो लेप लगा रही है, और उसके बाद ये इसमें जो शिवलिंग बना हुआ है, थोड़ा सा अभी क्या फूल वगैरह चढ़ गया है ना तो आपको नहीं दिख रहा होगा। ये एक कांस की जो थाल बोलते हैं इसको, तो बड़ी वाली कांस की थाल लिए हैं, उसी में सारी चीज़ें की हैं। उधर दीपक जो है जल रही है और अभिषेक किए हैं, तो ये पानी सारा अभी जो पूजा के लिए अभिषेक जो हुआ था तो उसका पानी है ये। तो ये कुछ पूजा इस तरीके से हो रही है, और ये माँ का मानना है कि इससे मतलब घर में सुख शांति समृद्धि जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो इसके वजह से ये पूजा माँ जो है टीवी पे देख के चैनल पे जो प्रदीप मिश्रा जो महाराज जी हैं सो उनके जरिए से ये पूजा की जा रही है। गाइस जैसा कि देख पा रहे हो अभी जो है हमारा जो पूजा चल रहा था वो थोड़ा सा संपन्न हुआ, मतलब ख़त्म हुआ, जो सारी चीज़ें थी वो कंप्लीट हो गई। और तो ये सारी चीज़ें हैं जैसा कि देख पा रहे होंगे, और पूजा में मतलब घर में आस्था के प्रति थोड़ा सा हमारे घर में सारी चीज़ें होती रहती है, पूजा पाठ तो इन सब चीज़ के लिए आगे ही रहते हैं। और कुछ इस तरीके से जो है शिव भक्ति जो है हुई, वैसे अभी कांवड़ यात्रा में कहीं घूमने का तो अभी मौका मिला नहीं है, और सावन का महीना भी चल रहा है अभी, तो घर में ही पूजा हो गई। तो अभी खैर अभी सोचेंगे अभी कांवड़ यात्रा में भी जाने का, तो अभी अभी तो सावन जो महीना अभी 15 दिन और बाकी है, अभी आधा तो मेरे ख्याल से गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया,